Very good morning, children. How are you? I hope you all are watching the videos. Children, we are studying the chapter New Questions and Ideas in your history, our past first. In this chapter, up to the 6th, you all have done. So the chapter 7, new questions and idea, I am basically discussing with you. In this chapter, I have discussed with you the topic like the story of the Buddha, story of Kisar Gautami, Upanishad, Jainism, Vaise, Vedra ke baare mein bhi humne discuss kiya. Panini the grammarian, this was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. Panini is the name of the person. वो उन्हें grammarian भी कहा जाता था. Panini the grammarian. ये it is given in the blots, the blue blots of your book in the page number 69. ब्लू बॉट्स में पेज नंबर 69. आई एम ऑल्सो कवरिंग द बॉट्सेस पैराग्राफ ऑल्सो. ठीक है, मैं बॉट्स के भी पैराग्राफ डिस्कस कर रही हूँ आप सभी से. तो पनिनी एक ग्रामेरियन थी. ग्रामेरियन मीन्स ग्रामर को जो बनाता है, दैट इज नोन एज द पर्सन, द वन हु मेड द ग्रामर इज नोन एज ग्रामेरियन. सो पनिनी इज द नेम ऑफ द पर्सन. पनिनी पानिनी भी बोल सकते हैं. पानिनी पानिनी ये ग्रामेरियन थी. पानिनी द ग्रामेरियन. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पानिनी, who prepared a grammar for Sanskrit. एक टाइम था जब सभी स्कॉलर, स्कॉलर मतलब क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, अपने फील्ड में मास्टर्ड है. तो सभी स्कॉलर्स बिजी थे अपने अपने कामों में. तो उस समय पनिनी जो थे, उन्होंने एक प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत. संस्कृत के लिए ग्रामर उन्होंने प्रिपेयर किया. He arranged the vowels and the consonant in a special order and then used this to create formula like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them. So थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ ले रहे हैं. सो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है बेटा, पनिनी द ग्रामेरियन. पनिनी जो थे वो ग्रामेरियन थे, और उन्होंने क्या किया था, ही अरेंज द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स. जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते थे, उनको उन्होंने बहुत ही स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया. देन उन्होंने संस्कृत, संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर किया था, और उन्होंने कुछ फॉर्मूला भी क्रिएट किया था, जैसे कि कुछ फॉर्मूला आपको एल्जेब्रा में देखने को मिलता है. ठीक है, तो याद रखिए ये नाम पनिनी ग्रामेरियन. वी ऑल्सो हैव डिस्कस अबाउट द जैनिज्म. जैनिज्म हमने डिस्कस किया था. संघ हमने डिस्कस किया था. Now we have to discuss about the monasteries. ठीक है, पनिनी एक ग्रामेरियन थे, ये याद रखेगा. चलिए, स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे. monasteries, monasteries, MONA monasteries. मोनास्ट्रीज, ठीक है, क्या है ये मोनास्ट्रीज, क्या है. सो टू बिगिन विद,
both Jain and Buddhist monk went from place to place throughout the year teaching people. If you see your book also, children, you may find out, if you see in your book in the on the page number 71, you may find out a cave. It aapko cave dikhega, gufa. ठीक है, वो केव जो है वो हॉलोड आउट इन द हिल्स. ठीक है, वो केव जो है उसको थोड़ा सा उसमें हॉलो छेद कर दे, पहाड़ों में छेद करके उसे बनाया गया है. और ये जो केव है वो केरले में है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र केरले में है, जिसे आज महाराष्ट्र कहते हैं. मॉन्स और नन जो थे, मॉन्स और नन ये लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर. इसी शेल्टर्स में वे लोग रहते थे और मेडिटेशन करते थे. ठीक है, तो याद रखेंगे ये एक केव है जो कि हिल्स में हॉलोड किए हुए हैं और ये केरले में है, जिसे अभी महाराष्ट्र कहते हैं. ठीक है, तो अगर आप अभी महाराष्ट्र जाएं तो इसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कि कहाँ है एंड ट्राई टू सी इट, विजिट इट. चलिए, मोनेस्ट्रीज पढ़ रहे थे. मोनेस्ट्रीज टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल. नाउ अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे थे बुद्धिस्ट को, जैनिज्म को. बुद्धिज्म तो जो फॉलो करते हैं हम उन्हें बुद्धिस्ट कहते हैं. जैनिज्म तो जो फॉलो करते हैं हम उन्हें जैन्स कहते हैं. तो क्या हो रहा था कि दोनों ही जो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे और जो जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, दोनों ही इधर उधर जाते थे और लोगों को टीच करते थे, लोगों को पढ़ाते थे, सिखाते थे अपने प्रीचिंग्स के बारे में. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. हमेशा थ्रू आउट द सीजन वो हर जगह जाते थे. ठीक है, हर एक सीजन में वो इधर उधर जाते थे. कौन? बुद्धिस्ट और जैन्स के, जैसे मॉन्स और नन्स, ये सब. ठीक है, बट एक ही टाइम, एक ही ऐसा सीजन था जब वो एक जगह रहते थे एंड दैट वाज अ रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्परेरी शेल्टर फॉर देम. उनके सपोर्टर, मैंने बताया था कुछ लोगों ने उनको फॉलो भी किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म. कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े रहे, मतलब उस रास्ते पे तो नहीं रहे, उस पाथ पे नहीं रहे, पर उनके सपोर्ट में वो लोग रहे. तो उनके जो सपोर्टर थे वो उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करते थे फॉर देम इन, जैसे इन गार्डन, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन अ हिली एरिया, जो एक वन ऑफ द केव मैं आप सभी को बता रहे हूँ. तो रेनी सीजन में दे यूज टू लिव इन दैट केव्स. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelter, and so monasteries were built. कब, मतलब बेसिकली सिंपल सी बात है, कब तक कहाँ पर रहेंगे, कब तक पहाड़ों पे रहेंगे, कब तक केव्स में रहेंगे. तो उन्हें एक जगह, एक परमानेंट जगह, एक परमानेंट शेल्टर चाहिए था एंड दैट वाज नोन एज मोनेस्ट्रीज. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर आई वांट फ्रॉम यू ऑल दैट एवरीथिंग विल बी स्टिक टू योर माइंड. यू शुड लर्न अबाउट द बुद्धा, उपनिषद, जैनिज्म, संघ, देन मोनेस्ट्रीज क्या होता है. और इन मोनेस्ट्रीज को बोला जाता था विहारास. दीज वर नोन एज विहारास. इन्हें हम क्या कहते थे? विहारास. द अर्लिएस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक. सबसे पहले
विहारास थे, मॉनेस्ट्रीज जो थे वो वुड से बने होते थे, लकड़ियों से बने होते थे। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, पहले सबसे पहले जो होते थे वो वुड से बने होते थे, बाद में उन्हें ब्रिक से बनाने लगे। सबसे पहले लकड़ियों से बनाते थे विहारास को और फिर बाद में उन्हें ब्रिक से बने लगे। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर जो लोग ये विहारास बनाते थे वो हिल्स में डिग करते, पहाड़ों में खुदाई करते, डिग इन हिल्स, और क्या बनाते थे, केव्स, गुफा की तरह बनाते थे पहाड़ों को में डिग करके, उसको खुदाई करके उसे केव की तरह बनाते थे, उसमें भी लोग रहते थे, मॉनेस्ट्रीज। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाई अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग। आने वाले समय में ऐसा हुआ कि जिस जमीन पर विहारा बने थे, यानी ये बुद्धिस्ट और मॉन्थ के रहने की जगहें बनी थी, मॉन्स और नंस के रहने की जगह बनी थी, ऐसे तो वो ट्रैवल ही करते थे, पर जब रेनी सीजन होता था उन्हें एक जगह रुकना पड़ जाता था एंड वेरी बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल, तो वो ये मॉनेस्ट्रीज बनाते थे। तो जिन लैंड्स पे ये विहारास बने थे उनको डोनेट कर दिया गया रिच, कुछ रिच मतलब अमीर मर्चेंट्स या लैंड ओनर या राजा ने उनको डोनेट कर दिया। ठीक है, आ रहे समझ में? जो जमीन जिस पे विहारा बने थे वो डोनेट हो गया, और किसने उसे डोनेट किया, राजा ने या लैंड ओनर ने, जो लैंड के जमीन के जमींदार थे उन्होंने उनको किसी को डोनेट कर दिया। The local people came with, आप समझ रहे, डोनेट कर दिया, किसे डोनेट कर दिया, मतलब उन्हीं लोगों को, बुद्धिस्ट और नॉन्स को, मतलब जो प्लेस था जिसपे विहारा बनते थे, ठीक है, उस प्लेस को, मतलब उस प्लेस के कोई ओनर होंगे ना, जहां पे विहारा लोग बना देते थे, लकड़ियों से पहले बनाते थे बाद में ब्रिक से, तो उस प्लेस को राजा उनको डोनेट भी कर देते थे, राजा है या लैंड ओनर है, ठीक है, डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्स एंड नन, मतलब उनकी रेस्पेक्ट बहुत होती थी क्योंकि वही लोग थे जो बुद्धिज्म को लेके आ रहे थे, अभी भी हैं बुद्धिस्ट, तो उनकी रेस्पेक्ट बहुत होती है। लोकल पीपल जो नॉर्मल पीपल हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग, तो लोकल पीपल जो थे उनको फूड गिफ्ट में देते थे, कपड़े देते थे, मेडिसिन देते थे उनके लिए, और उनके रिटर्न में उन्हें क्या मिलता था, दे टॉट द पीपल, उन्हें वो शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 10। आप और भी ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर 10 में। तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड आउट हो गया। इन योर बुक टू और थ्री पॉइंट्स आर गिवन इन द बॉक्स दैट आई ऑल्सो विल डिस्कस विद यू। एक बुद्धिस्ट की टेस्ट थी जो बताती है कि जस्ट एज द वॉटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, सो आर वर्न एंड रैंस
and family forgotten. When the followers of the Buddha joined the order of monks. एक बुद्धिस्ट की टेस्ट में ये लिखा गया है कि जैसे नदी सॉरी जैसे पानी पानी जब नदी में जाती है रिवर में जाती है अपना नाम खो देती है और वो नदी जब ओशन में जाती है समुद्र में जाती है तो मिल जाती है तो वो भी नाम खो देती है उसी तरह से वर्ण रैंक और फैमिली भी हम लोग भूल जाते हैं जो बुद्धा के फॉलोअर्स हैं वो भी उनको भी नहीं याद रहता कि उनका वर्ण क्या है उनका रैंक क्या है और उनकी क्या फैमिली है एज दे ज्वाइन द बुद्धिज्म और एज दे ज्वाइन द जैन्स तो जो मॉन्स और नंस हैं जो बुद्धिज्म के फॉलोअर हैं जैन के फॉलोअर हैं वो भी अपने वर्ण को अपने रैंक को अपनी चीज़ों को अपनी फैमिली को भूल जाते हैं उनको पता है ना उनकी तो टीचिंग्स ही थी बुद्धा की टीचिंग ही थी और महावीरा की भी टीचिंग थी कि अगर आपको नॉलेज की सर्च करनी है ट्रू नॉलेज जानना है तो आपको घर छोड़ना पड़े एंड घर जैसे ही छोड़ते हैं तो स्लोली स्लोली दे फॉरगॉट देयर रैंक्स ऑर्डर एंड एवरीथिंग ठीक है नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ आश्रम ये पढ़ते हैं ये आपने लिख लिया हो ये इट इज ऑल अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स सो इट विल हेल्प यू टू मेक यू लर्न कि मॉन्स्ट्रीज को बिहाराज भी बोलते हैं ये पहले वुड का बना होता था फिर ब्रिक का है कई जगह पहाड़ों में डिग करके केव्स बनाए होते हैं ताकि ये जो मॉन्स और नन है वो रह सके मॉनेस्ट्रीज के बाद अब आपको पढ़ना है द सिस्टम ऑफ आश्रम सिस्टम ऑफ आश्रम आश्रम के क्या सिस्टम थे ये आपको पढ़ना है ठीक है चलिए इसको पढ़ लेते हैं आश्रम के सिस्टम क्या थे सो द सिस्टम ऑफ आश्रमास अराउंड द टाइम When Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashramas. उस समय जब Jainism और Buddhism बहुत famous हो रहे थे 2500 साल पहले की बात है ना Jainism और Buddhism बहुत popular हो रहे थे तो जो ब्राह्मण थे ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण ब्राह्मण्स ने आश्रम का कंसेप्ट डेवलप किया दिस कंसेप्ट ऑफ आश्रम इज डेवलप बाय ब्राह्मण्स हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लीव एंड मेडिटेट अगेन आई एम रिमाइंडिंग आश्रम का मतलब ये नहीं कि वो प्लेस जहां लोग रहते हैं या मेडिटेट करते हैं दैट इज नॉट आश्रम ओके इट इज यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ यहां पे आश्रम क्या है जो ब्राह्मण ने डेवलप किया कंसेप्ट ऑफ आश्रम लाइफ की स्टेजेस को जैसे 4 आश्रम्स इन्होंने बताया ये जो आश्रम है ये रहने की जगह नहीं है ये स्टेज ऑफ लाइफ है स्टेज ऑफ लाइफ जैसे लाइफ में पहले बच्चा छोटा होता है फिर वो चाइल्डहुड में जाता है फिर वो एडल्ट होता है फिर ओल्ड एज में जाता है उसी तरह ब्राह्मण ने 4 स्टेजेस यानी 4 आश्रम बताए कौन कौन से फर्स्ट
ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य फर्स्ट आश्रम इज ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ। ब्रह्मचार्य यानी जो अनमैरिड हुए, गृहस्थ यानी जो मैरिड, गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ यानी गृहस्थी, गृहस्थी से बना है। ब्रह्मचार्य यानी जो अनमैरिड है, ब्रह्मचार्य है। उसके बाद आता है वनप्रस्थ। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ, वनप्रस्थ। और वनप्रस्थ के बाद आखिरी में आता है संन्यास। संन्यास स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे किसी का भी, वनप्रस्थ, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। इन आश्रम के बारे में आपने पढ़ा होगा, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट दीज आश्रम। These ashrams were discussed by the Brahmin. The four kind of ashrams: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Now, Brahmin, Kshatriya, Vaishya. आपको पता है ना, caste हमारी four में divided है। Brahman, Kshatriya होते हैं, फिर Vaishya, फिर Shudra. तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मेन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बहुत ही सिंपल लाइफ रहें एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ देयर लाइफ, दैट इज ब्रह्मचार्य। सो ब्रह्मचार्य क्या है, वो अर्ली इयर्स है, सबसे स्टार्ट अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ है, लाइफ का शुरुआती दौर, अर्ली ईयर, जहां पे उनको कहा जाता है कि उनको अपनी लाइफ कैसी रखनी है, बहुत ही सिंपल रखनी है और आपको स्टडी करनी है, वेदों को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा होता है गृहस्थ, वेयर दे हैड टू मैरी एंड लीव एज हाउस होल्डर, घर को संभालना, ठीक है। गृहस्थ में, ब्रह्मचार्य में दे हैड टू स्टडी द वेदास, वेदों पुराणों को पढ़ने को बोला जाता है। गृहस्थ में मैरिड एंड हाउस होल्डर, ठीक है, शादी करने के लिए और घर को संभालने के लिए। थर्ड वनप्रस्थ, देन दे हैड टू लीव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। वनप्रस्थ यानी वन मतलब ही होता है जंगल, फॉरेस्ट में रहने के लिए बोला जाता है, जनरलों में फॉरेस्ट में रहने को एंड मेडिटेट करने के लिए, लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। द लास्ट वन इज संन्यास, फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम संन्यासिन्स। संन्यास वो स्टेज होता है जहां पे पर्सन को अपनी हर एक चीजों को दे देनी होती है और बन जाना होता है संन्यासिन। इट इज अ स्टेज ऑफ गिव अप एवरीथिंग, गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम संन्यासिन। ये सारे कुछ कुछ आपसे बच्चों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना, वन वर्ड आंसर्स में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अदरवाइज यू शुड राइट इट डाउन समवेयर एल्स, आप इसे लिख लो ये पॉइंट्स को, ये आपके जानकारी में आनी चाहिए सारी चीजें। आपको इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, सो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द मॉनेस्ट्रीज and you should have a knowledge about the four ashramas: Brahmacharya ashram, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas।
The system of ashrams allowed men to spend some part of their lives in meditation. ये सिस्टम आपका इस तरीके से बनाया गया था आश्रमास का कि लोग कुछ पार्ट अपने लाइफ में मेडिटेशन को भी दें, ठीक है, ज्ञान को भी केंद्रित करें. जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमास चूजन बाय देयर हस्बैंड. वुमेन को समय एक्चुअली बहुत पहले आपने देखा होगा ज्यादातर मेन ही डोमिनेंट रहते थे हर एक चीजों में. वुमेन को उतना अलाउड नहीं था वेदास वेदों और पुराणों को पढ़ना और उनको वही आश्रमास को फॉलो करना होता था जो आश्रम उनके हस्बैंड चूज करते हैं. अगर वो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, गृहस्थ आश्रम में वुमेन को उनके साथ रहना होगा. वनप्रस्थ आश्रम अगर वो चूज करते हैं तो भी वुमेन को उनके साथ रहना पड़ेगा. संन्यास आश्रम चूज करते हैं तो भी वुमेन को उनके साथ संन्यासन बनना होता है. ठीक है, सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट चिल्ड्रन मॉनेस्ट्रीज एंड ऑल्सो अबाउट द फोर काइंड ऑफ आश्रम्स एंड फोर वर्ण. What are the four one? Brahman, Kshatriya, Vaish and Shudra. ठीक है, वन ऑफ the थिंग इज गिवन इन योर बुक इन द पेज नंबर 73 इन द पार्ट ऑफ एल्सवेयर. सो उसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड विद द होप आपने इसे सारी चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा. एल्सवेयर में लिखा है कि फाइंड ईरान इन योर एटलस. जोरोस्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफेट. जोरोस्टर के बारे में दिया हुआ है. हिज टीचिंग्स वर कंटेन इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्टा. द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्टा एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इट इन आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास. द बेसिक टीचिंग्स ऑफ द जोरोस्टर आर कंटेन इन द मैक्सिम गुड थॉट्स एंड गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के समय में थोड़ा मुश्किल भी है. अच्छा सोचना, सोचना एक बार के लिए लोग अच्छा बोलते तो हैं बट अच्छा सोचते नहीं हैं और अच्छा करते भी नहीं हैं. सोच अच्छी होगी तो वही चीजें वर्ड्स में भी आएंगी एंड देन इट कम इन द डीड. Everything come from here, children. Thought अगर positive है तो action भी positive रहेगा, words भी positive रहेंगे. अगर thought कहीं से भी negative है तो everything will be negative. So here is a verse from the Zen Avesta. Lord grant strength. लॉर्ड भगवान से वो बोल रहे हैं, अवेस्टा भगवान से बोल रहे हैं, हे भगवान ग्रांट स्ट्रेंथ, हमें शक्ति दो एंड द रूल ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की रास्ते पे एंड गुड थिंकिंग बाय मींस ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रांक्विलिटी. फॉर मोर देन 1000 ईयर जोरोस्ट्रिनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान. जोरोस्टर एक पर्सन थे जिन्होंने जोरोस्ट्रियम एक रिलीजन लाया था ईरान में. लेटर सम जोरोस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. दे वर द एंसेस्टर ऑफ द टुडेज पारसीज. ओके, जो पारसी लोग होते हैं ना उनके जोरोस्टर जो थे उनके एंसेस्टर में आते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा जोरोस्टर के बारे में इसमें दिया गया है. मैं यहां लिख दे रही हूं जोरोस्टर. जोरोस्टर के बारे में दिया गया है, ये ईरानियन प्रॉफेट थे. सबसे पहला पॉइंट, ईरानियन यानी ईरान के ही थे, ये ईरानियन प्रॉफेट थे. प्रॉफेट का मतलब होता है कि गुरु, एक तरह से कह सकते हो. ठीक है, गुरु थे वो.
उनकी जो टीचिंग्स थी वो एक बुक में होती थी जिसका नाम था अवेस्टा। ये पॉइंट्स बस याद रखो, अवेस्टा एक बुक है, एक किताब है ये, जिसमें उनकी टीचिंग्स के बारे में दी गई। किसकी टीचिंग के बारे में? जोरोस्टर के। जोरोस्टर एक ईरानियन प्रॉफेट थे, ईरानियन गुरु थे, और इनकी टीचिंग जिस बुक में दी गई है वो अवेस्टा है। ठीक है, अवेस्टा का जो लैंग्वेज है वो कुछ कुछ वेदास के लैंग्वेज से सिमिलर करता है। अवेस्टा का जो लैंग्वेज है, इसका जो लैंग्वेज है वो वेदास के लैंग्वेज से सिमिलर है। वेदों और पुराणों के जो लैंग्वेज होते हैं उनसे सिमिलर है अवेस्टा की लैंग्वेज। ज़ोरोस्टर एक ईरानियन प्रॉफेट थे और उन्होंने, उनकी टीचिंग्स अवेस्टा नाम की, जो अवेस्टा नाम की बुक है उसमें उनकी टीचिंग्स होती हैं। ठीक है, और इन जो अवेस्टा बुक है उसकी जो लैंग्वेज है वो वेदों की लैंग्वेज से मिलती है। उनकी टीचिंग्स क्या है ये तो हमने डिस्कस कर ली, और जो आज के पारसीज लोग हैं उनके एंसेस्टर होते हैं ये ज़ोरोस्टर। काफ़ी साल तक ये लोग ईरान में थे, बाद में इन्होंने ईरान से माइग्रेट कर लिया था। ठीक है, और जो इन्हें फॉलो करते थे इनको ज़ोरोस्ट्रियंस कहा जाता था। सो दिस इज फॉर ऑल चिल्ड्रन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो रहा, वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन ईच एंड एवरी मैनर। इन ईच एंड एवरी मैनर मीन वी हैव कवर्ड द बॉक्सेस ऑल्सो। सो पूरी तरीके से चैप्टर हो गया है, एंड आई हैव डिस्कस विद यू ऑलरेडी, हैव मेड द वीडियो ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस पे मैंने वीडियो बना दिया है, आपको भेज दिया है, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी वीडियो बना दिए। फाइन, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।